हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को वो सफलता हासिल नहीं हुई जिसकी पार्टी को उम्मीद थी। हालांकि कांग्रेस ने उस रैगांव पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। ये सीट 35 साल बाद कांग्रेस के खाते में गई है और इसको लेकर कांग्रेसी उत्साहित है। अब खुद राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ रैगांव आएंगे और यहाँ के लोगों को धन्यवाद देंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ का ये कार्यक्रम 10 नवंबर को आयोजित होगा और यहाँ एक किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी रैगांव विधानसभा क्षेत्र की रैगांव में 10:30 बजे विशाल जन आभार एवं किसान सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसमें 10 तारीख को किसान सम्मेलन होगा, जन आभार होगा। उसके पहले 8 तारीख को, 7 तारीख को कोठी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिंहपुर एवं सोहावल सिंहपुरा में बैठकें आयोजित की जा रही हैं और उनके आगमन के संबंध में तमाम साथियों को सूचित किया जाएगा। दरअसल रैगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने बीजेपी की प्रतिमा बागरी को हराया है। इस सीट को पारंपरिक रूप से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस उपचुनाव में बीएसपी के मैदान में नहीं उतरने से इसका सीधा फायदा कांग्रेस को हुआ। इतना ही नहीं, बागरी परिवार में फूट की वजह भी बीजेपी की हार का कारण बन गई। हालांकि बागरी परिवार को बीजेपी ने मना लिया था, लेकिन पार्टी नेता बागरी परिवार के समर्थकों का मूड नहीं भांप पाए। यहां खुद सीएम शिवराज ने कई सभाएं की, लेकिन इसके बावजूद भी सीट पर कमलनाथ भारी पड़े और कांग्रेस को इतिहास रचने का मौका मिल गया। सतना से योगी तारा की रिपोर्ट, एमपी तक।